खबरों से। सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफ लाइन बनाने के लिए की जा रही है। ड्रिलिंग पूर्ण कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर इसके जरिए फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। NHIDSL के निदेशक अंशु मनीष ने बताया कि गत 9 दिनों से चल रहे रेस्क्यू की इस पहली कामयाबी के बाद श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के प्रयास तेजी से संचालित किए जाएंगे। सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन की रक्षा के लिए अब तक 4 इंच की पाइपलाइन ही लाइफलाइन बनी हुई थी। अब सेकेंडरी लाइफलाइन के तौर पर 6 इंच व्यास की पाइपलाइन मलबे के आर पार बिछा दिए जाने के बाद श्रमिकों तक बड़े आकार की सामग्री और खाद्य पदार्थ, दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री के साथ ही संचार के उपकरण भेजने में सहूलियत होगी। मेरे ख्याल से पहली बार मैं आपको स्माइल करते नजर आ रहा हूँ, इसलिए कि हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली जो नाली है वह स्थापित कर लें, तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट की उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनको उनसे फिर से संपर्क साथी करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं वो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी में बचाव अभियान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी एजेंसियां, इंजीनियर, टेक्नीशियन और विशेषज्ञ इस काम में लगे हुए, इनकी मेहनत से 6 इंच की पाइप सुरंग के अंदर पहुंच गई है और उससे अब सभी प्रकार की खाद्य सामग्री अंदर पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बचाव अभियान पूरा हो और हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित बाहर आए। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे। उत्तरकाशी में सुरंग से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मजदूरों को पहली बार दाल खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए बोतल में भरकर मजदूरों के लिए ये खाना भेजा गया। इसी बीच सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालात में सुरंग में रह रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात भी की है। वहीं एक श्रमिक के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि हमें उम्मीद है, लेकिन जब मैं उनसे बात करूंगी तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगी। हम नहीं बिरिया में हम उसको चिल्हा नहीं दिखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? नहीं। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र किसको। वो नहीं दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहां पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में है। आप बातचीत करना चाहेंगी उनसे? अब उसकी हो जाए ना, तब तो बातचीत करना चाहेंगी। दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर? अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यहीं का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है। हाँ, उम्मीद उम्मीद जगी है। आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगी तब। उस वीडियो में दिख रहा है कि कैमरे के जरिए उनको देखा जा रहा है, खाना उन तक पहुँच रहा है। अभी तो खाना पहुंचा कहाँ? आप लोग आज कब जाएंगे? अभी जाएंगे। तो आज ना पहुंचा, कल से बोल रहा खाना पहुंच रहा है। कल शाम में खाना भेजा गया है? नहीं भेजा यार। आप पाइपें चौकअप हो गया, बात करने के बाद ही।
उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर आज नवा दिन है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इंटर के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि टनल में फंसे लोगों को निकालने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही। टनल में मजदूरों को फंसे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। सुरक्षा की मांगों को ध्यान में रखकर सुरंग का निर्माण कार्य नहीं किया गया। इसके साथ उन्होंने टनल हादसे की CBI से जाँच करने की मांग की है। उत्तरकाशी में हमारे जो 40 मजदूर खान में फंसे हैं, सुरंग में फंसे हैं, और सरकार भी उसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। कोई मशीनें मंगाई हैं तो 4 दिन से वो भी बाहर खड़ी हैं, उनको उपयोग नहीं हो रहा। उन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसमें दोष जितना सरकार का कंपनी का भी है, जिस कंपनी को दिया गया। उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ हैं, जब सुरंग में मजदूर डाले तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी कि अगर कच्चा पहाड़ गिर गया तो ये कैसे निकाले जाएंगे, किस रास्ते से निकलेंगे, तो वो कुछ नहीं दिया गया। तो उत्तराखंड दोहन के लिए सरकार भी गंभीर नहीं है, लग नहीं रहा कि सरकार गंभीर है। चूँकि हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का दिल्ली, यहाँ गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे सब जगह घूम रहा है, लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं। दुखद अध्याय है। अब उत्तराखंड के मजदूरों के लिए, जो हमारे भविष्य को सुधारने के लिए वहाँ पर जान जोखिम में डाल करके सुरंग में काम कर रहे, क्यों नहीं कंपनी ने सारी व्यवस्थाएँ की? अगर ऐसा हो जाएगा तो एक अच्छे पहाड़ है गिरेगा तो क्या है, क्यों अध्ययन किया? क्योंकि कंपनी ने और उन्होंने केवल ठेका दे दिया कि हमें इतने देते तुम जाओ, और वो 28 सीधे दिल्ली पहुंचा रहे मुख्यमंत्री जी, और कुछ नहीं हो रहा। ये और पूरा देश चिंतित है, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारी सरकार, हमारी कंपनी चिंता नहीं कर रही उत्तराखंड की। इसलिए हमने उनके भगवान उनकी जीवन को सुरक्षा, इंटक ने सोचा कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें विरोध करने का भी समय नहीं है, क्योंकि उनको सहयोग चाहिए, सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं। इसलिए हमने यहाँ पर उनके हिम्मत बढ़ाने के लिए, भगवान से दुआ प्रार्थना करने के लिए कि उनके जीवन को सुरक्षित रखे, उनके परिवार को ताकत दे, शक्ति दे कि वो इस चिंता से मुक्त रहें, उनके ऊपर किसी प्रकार का भार न पड़े, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन सरकार की निकम्मेपन की, सरकार की लापरवाही की, उस कंपनी की लाभ मिली जोड़ से जो हमारे वर्कर्स की जान लेने पर उतार हुए, इसकी तो हम भर्त्सना करेंगे और CBI की जांच इसमें करेंगे कि ये पुनः इसकी घटना दोबारा न हो उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी विभागों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में तहसील विकास नगर में वोटर लिस्ट अपडेट से संबंधित जानकारी देने के लिए SDM विकास नगर विनोद कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है, जिसके चलते वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य गतिमान है, जिसमें नए वोटर को जोड़ने के साथ ही मृत हो चुके लोग या अन्य जगह जा चुके लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसके लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नए वोटर जोड़ने और वोटर कार्ड अपडेट की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है, जिसके जरिए लोग सुविधा पा सके। बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम अभी जारी है, जिसके तहत नए वोटरों को शामिल करने के साथ साथ जिन लोगों की यहाँ से शिफ्टिंग हो चुकी है और जिनके नाम में कोई संशोधन होना है किसी भी तरीके का, उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस बीच में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश मिले हैं, जो 18 और 19 का जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसको मैक्सिमम जो एलिजिबल वोटर हैं उनको जोड़ा जाना है, और उसके साथ साथ जो जेंडर गैप है,
उसको भी कम किया जाना है। उसी के लिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और अभी हमारे BLO और सुपरवाइजर घर घरों में जाके और जिन जगहों पे मैक्सिमम लोग कार्यरत हैं उन लोगों तक संपर्क कर रहे हैं और उसके माध्यम से वोटर लिस्ट में जुड़ने का काम जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से सारी चीज़ें अभी जो ERO नेट के माध्यम से भी सीधा व्यक्ति जो इनरोल जो एलिजिबल वोटर है वो अपने को इनरोल कर सकता है और इस तरह की किसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें कोई नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उसमें आप संपर्क करके उस चीज़ का निवारण कर सकते हैं। उम्मीद है सर ये पूरा हो जाए इस पर। हाँ अभी जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमें करीब अभी तक 3000 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और अभी क्योंकि 9 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है तो उस समय अन्य जगहों से भी जो हमें फॉर्म प्राप्त होने हैं उसकी संभावना है कि जो हमें टारगेट मिला है पूरा करें। लोकसभा चुनाव में ये जो छूटे हुए लोग हैं वोटर्स नहीं हैं तो क्या लक्ष्य है कि ये वोटर्स आगामी लोकसभा चुनाव में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इससे? हाँ जो अभी भी जो एलिजिबल वोटर हैं किन्हीं कारणों से छूट गए या नए वोटर जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हमें भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हर हाल में कराया जाएगा और अपील भी सभी लोगों से की जा रही है कि जो एलिजिबल वोटर हैं जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उसके अनुपालन करते हुए वोटर लिस्ट में जुड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2024 चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जिले के सभी मतदाताओं के लिए विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी मतदान स्थलों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए देहरादून के जिलाधिकारी ने सचल वाहन दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैंप के जरिए मतदाता सूची में पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। अभियान के दौरान मतदाताओं के वोटर कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वोटर कार्ड में त्रुटियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम नए वोटरों के पंजीकरण और पुराने वोटरों के एड्रेस भी बदले जा रहे हैं। देहरादून के DM सोनिका ने भी सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह मतदान पहचान पत्र में त्रुटियों को दुरुस्त करवा लें और नए वोटरों को लिस्ट में शामिल करने के लिए मोटिवेट भी करें। अब क्योंकि पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, एडिशन डिलीशन या कोई चेंजेस कराने हैं अगर अपने वोटर कार्ड में, तो पूरा कार्य अभी चल रहा है। हमारे BLO जो है वो अपने अपने बूथ पे बैठी हुई है, तो जो भी मेरा सभी से जो भी वोटर्स हैं और जो भावी वोटर्स हैं 18 से 19 साल के वो बूथ पे जाके अपना नाम जुड़वा सकते हैं और डोर टू डोर भी हमारा सर्वे चल रहा है, मैक्सिमम वोटर्स एनलिस्ट हो जाएं उसकी हम कोशिश करेंगे। मैम ज़्यादातर शिकायत आती है, कई बार हमने भी मौके पर जाके देखा BLO जो होते हैं वो मौके पर नहीं रहते हैं और फ़ोन करो तो वो कहते हैं कि हम लोग गए आके चले गए, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता इसके लिए कि कोई मॉनिटरिंग हो रही है नहीं। हाँ जैसे आपने कहा तो अभी बीच में कुछ कार्यवाही भी हुई, कुछ BLO नहीं मिले मौके पर हमको और SDM और तहसीलदार, क्योंकि वो ERO और AERO की भूमिका निभाते हैं तो इनको हम डेली आजकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो बूथ है वहाँ पे BLO रहे और जो हमारा पुनरीक्षण का कार्य है वो अच्छे और सुचारू रूप से चले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून से 17 किलोमीटर दूर शीशमबाड़ा में कूड़े के ढेर से पहाड़ बनता जा रहा है जिससे आसपास का वातावरण खराब हो रहा है। कई बार सैलाकुई शीशमबाड़ा रिहायशी कॉलोनियों के लोग जिला प्रशासन नगर निगम से गुहार लगाकर थक चुके हैं। शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट की बदबू से लोग त्रस्त हैं। आलम यह है कि शीशमबाड़ा प्लांट की बदबू कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि जो पुरानी कंपनी वहां पर कार्य कर रही थी उसके द्वारा लापरवाही की गई, जो वेस्ट प्रोसेसिंग का कार्य करना था वह उस कंपनी के द्वारा उचित ढंग से नहीं किया गया, जिस पर कंपनी को नोटिस भी दिए गए, चालानी कार्रवाई भी की गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि काम में ढील बरतने पर उस कंपनी को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, वहां पर कितनी मात्रा में वेस्टेज जाएगा और कितनी मात्रा में वहां से वेस्टेज निकलेगा, इसके अलावा असेसमेंट की कार्रवाई भी वहां पर लगभग पूरी हो चुकी है। मनोज गोयल ने कहा कि इसका प्रस्ताव तैयार कर हम शासन को जल्द ही भेज देंगे। देखिए जो पुरानी कंपनी वहां पे काम कर रही थी जिसके द्वारा एक लापरवाही करी गई और
जो वेस्ट को प्रोसेसिंग करना था वो उचित प्रकार से ना किया गया, जिसके उसको नोटिसेस भी किए गए, चालान की कार्रवाई भी की गई और उसका टर्मिनेशन भी फाइनली वहाँ से हुआ है। तो उन्हीं को ये एक निर्देश किए गए हैं कि वो उसको हटाए। पैरेलली हम लोग भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उसको रिमूवल के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका असेसमेंट की कार्रवाई भी गतिमान है, जल्दी उसका असेसमेंट भी पूरा हो जाएगा। करेक्टराइजेशन ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वेस्ट दोनों कार्य पूरे करने के पश्चात जल्दी हम लोग शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि इसको हटाने के लिए जो भी बजट की आवश्यकता है उसके लिए।